मानदेय बढ़ोतरी सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ के में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत किया। सम्मेलन के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 24 फरवरी को एनडीए छोड़कर लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आज का क्या कार्यक्रम था? देखिए, रसोईया महासंघ के तरफ से एक सम्मेलन उनका था, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो हम लोग सुनते हैं कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप आइए हम लोगों की आंदोलन में, तो मैं इनके आंदोलन में आया हूँ। क्या वादा किया है आपने? देखिए, दुर्भाग्य है रसोईया का कि आज इस प्रदेश में, देश में नेताओं की तनख्वाह तो 1,40,000, हम मिनिस्टर हैं सब काट के हमको 1,40,000 मिलता है और महीना, और यही रसोईया को 1,000 मिलता है, तो अब 33 रुपये पर कौन मजदूरी करेगा? मनरेगा में भी आप 175 रुपया दे रहे हो, तो कम से कम इनका मानदेय बढ़ा करके, इनका भी मानदेय बढ़ाओ। आप अनिवार्य किए हो कि जो जिसका बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा वही रसोईया का काम करेगा, तो फिर प्राइमरी में जो अध्यापक पढ़ाते हैं तो उनके लिए अनिवार्य क्यों नहीं करते हो कि जब तक उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते? हमने इनको आश्वासन दिया कि इनकी बात हम सोमवार को, मंगलवार को इनके मामले को सदन में उठाएंगे और खुद मुख्यमंत्री से अकेले मिल करके कहेंगे कि आप इस काम को करिए, नहीं बड़ा नुकसान आपका होने जा रहा है। जनता ने, पूर्वांचल की जनता हमारे कहने पर 125 सीट भाजपा को जितवाई है। भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे के अंदर गरीब सवर्ण को आरक्षण दे दिया। 10 दिन में प्रदेश सरकार ने भी, 10 दिन के अंदर प्रदेश सरकार ने भी प्रस्ताव कैबिनेट में लाके पास कर दिया। अक्टूबर से हमने लड़ते लड़ते, अक्टूबर में अति पिछड़ा एक सामाजिक न्याय कमेटी बनी आज के साल भर पहले, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया अक्टूबर में, उस रिपोर्ट को अलमारी में बंद किए हो। पिछड़ों में भी गरीब हैं, दलितों में भी गरीब हैं, तो जो रिपोर्ट आई है उसको लागू क्यों नहीं कर देते हो? आज राजभर का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, अर्कबंशी का, बारी का, बिहार का, चौहान का बेटा जो है आज ये सिपाही नहीं बन पा रहा है। अगर आरक्षण में आप बंटवारा कर देते, जो आपको समझ में आया कि सवर्ण में गरीब नहीं ले पा रहा है, तो इसी तरह इसमें भी जो गरीब है वो नहीं ले पा रहा है 27% आरक्षण में, तो इसको लागू करने में क्या दिक्कत है? आज प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा में सुधार के सवाल पे हम आपके साथ आए, तो आप शिक्षा में सुधार पे क्या पहल कर रहे हैं? आपने वादा किया कि हम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में 4 जाति बनाई, 2 जातियों की जो व्यवस्था बनी है, अनुसूचित जात और जनजात, इनके लिए इनके लिए आईएएस पीसीएस मेडिकल इंजीनियरिंग निःशुल्क कोचिंग 16 जिले में खुली हुई है, 16 जगह। तो जो पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बच्चे हैं इनके लिए भी वादा किया था कि 18 मंडल में हम खोलेंगे कोचिंग, निःशुल्क खोलेंगे। आज दो साल बीतने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, एक भी कोचिंग नहीं खुली, इस बात को लेकर हमारा झगड़ा है। आज जब संविधान कहता है समानता की बात, समता की बात, तो 1 से लेकर 16 तक, ब्राह्मण से लेकर चमार तक जो वादा किया कि सबको समान शिक्षा देंगे, तो उस शिक्षा को कब लागू करोगे आप? 2 साल तो पूरा होने जा रहा है, इस बात को लेकर हम झगड़ा कर रहे हैं। जनता मुझे वहां भेजी है लड़ने के लिए, भागने के लिए नहीं। 24 तारीख को क्या करेंगे आप? 24 तारीख पार्टी छोड़ देंगे, हमारा गठबंधन से अलग अलग हो जाएंगे। किसके साथ जाएंगे आप? बाबू, हम अकेले 85 सीट पे लड़ने की तैयारी में हैं। नहीं, किसी को समर्थन करेंगे? नहीं, हम समर्थन पार्टी हमारी नहीं, किसी को क्यों करेंगे? चुनाव होने वाला लोग नहीं, हम अपने अपने दम पर अपनी 80 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। 24 को आप पार्टी छोड़ेंगे? एनडीए से अलग होंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे। 24 के बाद 25 को बता देंगे, 25 को प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे 80 सीट पर। तो ये लिख दिया जाए कि राजभर जी 24 को पार्टी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, एकदम तैयारी में है। आज आपकी मुलाकात निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या इनका भी समर्थन रहेगा आपके? बिल्कुल, आपने देखा कि रसोईया के समर्थन में ये भी आ गए हैं। आपके बैनर तले रहेंगे या आप इनके बैनर तले? ये समर्थन में, रसोईया के समर्थन में आए हैं, ना हम इनके बैनर में है ना ये हमारे बैनर में है। क्या लगता है, हम दोनों लोग रसोईया के समर्थन में आए हैं, इनके अधिकार की लड़ाई में हम लोग इनके साथ आए हैं। ठीक ठीक।